बीजेपी कांग्रेस से जैसे बड़ी पार्टी अपने दमखम के साथ चुनावी प्रचार में जुटी है, तो वहीं कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी प्रचार में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। मांडवी इन दिनों जनता को अपने पक्ष में रिझाने के लिए चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी देव पवार द्वारा शहर के काले पुतले चौक में अनोखा चुनाव प्रचार किया गया। आपको बता दें कि बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे प्रत्याशी चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी जहां अपने अपने पार्टी के दमखम के बलबूते प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी देव पवार उर्फ बनवारी सेठ अपने अनोखे तरीके से प्रचार कार्य में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बालाघाट मुख्यालय के काली पुतली चौक पर सेब की दुकान लगाकर चुनाव प्रचार किया। यहाँ उन्होंने सेब बेचकर अपनी बातों को जनता के समक्ष रखा और बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के ऊपर जमकर प्रहार भी किया। उन्होंने जनता से कहा कि ये वक्त पार्टी को नहीं बल्कि चेहरे को चुनने का वक्त है। आना होगा क्योंकि सेब निशान 10 नंबर का निशान है, हर एक युवा का निशान है। और आज हमारे बालाघाट जिले में जो नेताओं ने हमारे बालाघाट जिले को खोखला कर दिया है, ये वो सेब है जो हमारे बालाघाट को फिर से मारेगी। हमारे यहाँ पर जो अस्पतालों की हालत है जो जर्जर हो चुकी है उनको ठीक करेगी। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, हमारे बालाघाट प्रॉपर में शहर में आज भी यहाँ पर चारों नगर जो विश्वास दिलाते हैं कि जब आप एक निर्दलीय युवा को चुनेंगे वो बिना किसी के दबाव में आए काम करेगा। आप किसी से नहीं पूछा कि भाई साहब क्या बोलेंगे, वो नहीं पूछा कि भाव क्या बोलेंगे, वो सिर्फ एक ही बात बोलेगा कि जनता को क्या चाहिए। मैं नौजवान युवा साथियों, आज आपका भाई देव पवार आपसे निवेदन करने के लिए आया है। अरे पार्टियों ने बालाघाट को बर्बाद कर दिया है, हमारे यहाँ के नेताओं ने बर्बाद कर दिया है। और जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अरे हमने आज कांग्रेस ने हमारे बालाघाट को सिवनी जिले को पूरा प्रहार कर दिया है। हमारे यहाँ पर रेत है, खनिज संपदा है, मैग्नीज है, लेकिन अफसोस की बात ये है, चिंता नहीं करो, बड़े बड़ी बातें करते हैं, सब विधायक है, हम सांसद है, अरे लागत रखती है मुझे सम्मान देने से, तो यहाँ के रोजगार यहाँ के युवाओं को तुम रोजगार न दे पाओ। यहाँ के सांसद ऐसे हैं जो कोरोना काल में तैयारी की व्यवस्था नहीं बल्कि लोगों के लिए चलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था कर रहे थे। साइन करवाने लोग कहते हैं भाऊ सोए हैं, मैडम जी सो रहे हैं। अरे भाऊ मैडम जी का काम खत्म करो। अगर अमीरों को नेता बनाओगे उनके बगल में कभी नहीं बैठ पाओगे।